बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम अरीबा फातिमा एंड यू आर वाचिंग न्यू बीएस सिलेबस। टुडे वी विल कवर अ टॉपिक फ्रॉम क्रिटिकल रीडिंग एंड एकेडमिक राइटिंग। द टॉपिक ऑफ आर टुडेज डिस्कशन इज रिसर्च प्रपोजल स्ट्रक्चर, पार्ट नंबर टू ऑफ द टॉपिक रिसर्च प्रपोजल। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग इनका ओवरव्यू देख लेते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल का। बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं ये, जिनमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, फिर उसके बाद लिटरेचर रिव्यू दिया जाता है, फिर इसके बाद मेथडोलॉजी सेक्शन आ जाता है, वो लिखा जाता है, देन डिस्कशन की जाती है रिसर्च पे, फिर इसके बाद रिसर्च की इम्प्लीकेशन के बारे में बताया जाता है, फिर इसके बाद उस रिसर्च प्रपोजल का कंक्लूजन लिखा जाता है, और एट द एंड ऑफ द प्रपोजल हम बिब्लियोग्राफी लिखते हैं। अब हम बारी बारी इन स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के साथ। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन। इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है, बेसिकली इसका काम क्या होता है कि जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, और जिस फील्ड ऑफ स्टडी में वो रिसर्च क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट है, उनको इंट्रोड्यूस कराना विद यूनिवर्सिटी या हमारी जो एडवाइजरी कमेटी है, या जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, या जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जिनसे हमने अपनी रिसर्च को अप्रूव करवाना है, उनको हमने अपने फील्ड ऑफ स्टडी, फिर अपने टॉपिक, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि जो गैप हम फिल करने वाले हैं, हमारी रिसर्च जिस गैप को फिल करेगी, जिस प्रॉब्लम पे हमारी रिसर्च काम करेगी, उसके बारे में बताना, फिर इसके बाद अपनी रिसर्च के एम्स के बारे में, यानी उसके मकासद के बारे में बताना। बहुत शॉर्ट लाइन्स में ये लिखा जाता है। फिर इसके बाद इसी तरह से अपनी रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट बयान करना, जो कि असल में हम लोग आगे देखेंगे लिटरेचर रिव्यू और मेथडोलॉजी सेक्शन में, इसको ज़्यादा हम लोग ब्रीफली देख लेंगे। फिर इसके बाद ये भी बताना कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं आपकी फील्ड ऑफ स्टडी में जो कि आपकी रिसर्च कवर नहीं करेगी, मतलब अपनी रिसर्च के बारे में तमाम ब्रीफ कंसाइज एक इंट्रोडक्शन आपने इस तरह से देना है कि पढ़ने वाले को पता चल जाए प्रपोजल में ही कि आपकी रिसर्च जो है वो किस हद तक किस टॉपिक को कितना कवर करेगी। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जिन सोर्सेज को हम अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताते हैं। इसके अलावा मेनली हमारी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसके बारे में हम लोग बताने के लिए जिन सोर्सेज का सहारा लेते हैं, तो उनको हम लोग लिटरेचर रिव्यू में शामिल करते हैं। यानी इसमें हम लोग पुरानी रिसर्चेज जो हो चुकी हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर उनकी इम्पोर्टेंस बताएंगे, उनमें जो काम हो चुका है उसके बारे में बताएंगे, फिर बताएंगे कि ये रिसर्चेज जो हैं वो किन एरियाज़ को कवर नहीं करती हैं, फिर इस तरह से हम लोग उस रिसर्च में गैप शो करवाएंगे जहाँ पर हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो फिर फिट आएगा, और फिर हम उस पर रिसर्च करने के लिए अपनी राह हमवार करेंगे। लिटरेचर रिव्यू के बाद आ जाता है हमारा मेथडोलॉजी सेक्शन। मेथडोलॉजी सेक्शन जो है ये हमारी रिसर्च के डिज़ाइन को डिस्कस करता है। अब रिसर्च डिज़ाइन में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, मेनली इसमें हम लोग देख लेते हैं कि टाइप ऑफ रिसर्च क्या है, यानी हम लोग रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन किस टाइप की, आइदर वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्वान्टिटेटिव होगी, या मिक्सड होगी। इन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रिसर्च के बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे, तो इसके तमाम सेक्शंस को हम लोग अलग-अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जस्ट हम लोग जब अपनी रिसर्च के प्रपोजल में मेथडोलॉजी के बारे में बताएंगे, तो जस्ट हम लोग इनको ज़्यादा डिटेल में जाने की बजाय बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में हम लोग इनके बारे में बताएंगे। फिर इसी तरह से टाइप ऑफ डाटा हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आइदर हम लोग ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं यानी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम लोग किसी सेकेंडरी सोर्स का, किसी सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द सीकिंग ऑफ आर डाटा। अब इसके बाद हम लोग ये भी इसमें देख लेते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो एक्सपेरिमेंटल है, या हम मतलब हम लोग को उसमें लैब एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, या कोरिलेशनल है, यानी उसमें हम लोग कोई दो चीज़ों को कंपेयर करके अपनी रिसर्च कंडक्ट करेंगे, या फिर वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है जैसे कि थीसिस लिटरेचर वगैरह में आ जाती हैं। ये सारा कुछ रिसर्च डिज़ाइन में आ जाता है, ये हम मेथडोलॉजी सेक्शन में इसको सारे को जो है वो कवर करेंगे। फिर इसी तरह से मेथडोलॉजी सेक्शन का एक और मेन जो
पॉइंट होता है वो होता है मेथड सेक्शन. मेथड्स आर इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ मेथडोलॉजी सेक्शन. मेथडोलॉजी जो है वो एक वाइड फील्ड है जिसमें रिसर्च का डिज़ाइन यानी उसकी टाइप, उसका डाटा और उसकी मज़ीद डिटेल्स आ जाती हैं, प्लस मेथड सेक्शन भी उसमें आते हैं. तो मेथड सेक्शन में हम लोग असल में देख लेते हैं कि डाटा कलेक्शन के लिए हम लोग टूल्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, उनको हम लोग मेथड्स बोलते हैं. अब इसमें हम लोग डाटा कलेक्शन के लिए हो सकता है हम लोग कोई क्वेश्चनेयर कंडक्ट करा लें, कोई सर्वे कर लें, कोई किसी का इंटरव्यू करने से हमें कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हासिल हो जाए, डाटा मिल जाए, या हम लोग ऑब्जर्वेशन कर लें, या इस तरह से हम लोग मज़ीद डेमोग्राफिक या एथनिक डिटेल्स के साथ भी उनको एज अ मेथड यूज़ करते हुए भी अपनी मेथडोलॉजी को प्रोसीड कर सकते हैं. इसके बाद आ जाता है डिस्कशन सेक्शन. अब इसमें हम लोग अपनी रिसर्च की प्रैक्टिकलिटीज़ के बारे में बताते हैं. प्रैक्टिकलिटीज़ किस तरह से कि ये प्रैक्टिकली जब हम लोग इसे कंडक्ट करेंगे तो इसकी टाइमलाइन क्या होगी, यानी कितने टाइम में. आखिर जब हम लोग कोई रिसर्च करते हैं तो अगर वो साइंटिफिक रिसर्च होगी, अगर तो वो किसी बीमारी के मुतालिक रिसर्च है तो उसके लिए टाइम ज़्यादा भी लग सकता है. अगर वो कोई एक्सपेरिमेंटल टाइप रिसर्च है जिसमें हम लोगों ने किसी फसल को फॉर एग्ज़ाम्पल देखना है या किसी एनिमल के लाइफ साइकिल को देखना है, तो उसके लिए हमें टाइमलाइन का पहले से पता होता है, तो हम लोग वो भी अपनी रिसर्च की प्रैक्टिकलिटीज़ में डिस्कस करते हैं. इसके अलावा रिसर्च के बजट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है हमने जो रिसर्च प्रपोजल लिखा है उसे हमने अप्रूव करवाना हो और फंडिंग भी सिक्योर करनी हो, तो इसके लिए भी ताकि कोई हमारी रिसर्च को स्पॉन्सर कर दे, तो इसके लिए भी हमारा वहाँ पे बजट मेंशन करना और शेड्यूल मेंशन करना लाजमी होता है. फिर इसी तरह से रिसर्च के मज़ीद प्लान्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक आपको अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हुए आइडिया हो कि आपकी रिसर्च में पोटेंशियल ऑब्स्टेकल कौन से आ सकते हैं. कोई क्लाइमेटिक कंडीशन आ सकती है, कोई ज्योग्राफिकल कंडीशन आ सकती है, कोई सीजनल बैरियर आ सकता है, या मेथड्स को यूज़ करते हुए कोई बैरियर आ सकता है, और आपका उसको टैकल करने का प्लान क्या है. तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने डिस्कशन सेक्शन में लाजमी शामिल करते हैं. देन कम्स द सपोजिशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ योर रिसर्च. अब यहाँ पे आप अपने रिसर्च प्रपोजल में अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स जो आएंगी, फाइंडिंग्स के मुताबिक अपनी रिसर्च की सपोजिशंस और इम्प्लीकेशंस के बारे में बताएंगे कि आपकी जो रिसर्च है इसके रिजल्ट्स कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं, कौन कौन सी फील्ड में अप्लाई होते हैं, और कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं उनमें ये फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं. लाइक वो फील्ड ऑफ स्टडी में हो सकते हैं, फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी में हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आपकी रिसर्च जो हो सकता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, या हो सकता है वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, या वो लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए हो सकता है बहुत यूज़फुल हो. तो आप इसमें ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है, ही फील्ड ऑफ स्टडी को किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी, उसको किस तरह से फ़ायदा पहुंचाएगी, और आपकी रिसर्च ज़रूरी क्यों है. इसके अलावा आप लोग यहाँ पे सपोजिशंस एंड इम्प्लीकेशंस वाले में क्या करते हैं कि जब आपने लिटरेचर रिव्यू लिखा था उसमें जो आपने गैप क्रिएट किया था वो कैसे किया था, एग्जिस्टिंग थ्योरीज़ को आपने चैलेंज किया था, फिर इसके बाद न्यू रिसर्च के लिए आप लोगों ने वहाँ पे एक राह हमवार की थी, उनके उसके लिए फाउंडेशन क्रिएट की थी, फिर इस तरह से आपने उसके बाद प्रैक्टिकल वैल्यू बताई, आप बतानी है अब यहाँ पे आके आपने अपनी फाइंडिंग्स की, फिर इसके बाद आपने वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टेट करनी हैं जिनको आपका आपकी जो रिसर्च है या आपका काम जो है वो सॉल्व आउट करेगा. एट दी एंड आप इस बात पे पहुँचेंगे कि आपकी जो फाइंडिंग है, जो आपकी रिसर्च का रिजल्ट आएगा, वो किस तरह से हेल्पफुल होगा विद इन योर फील्ड ऑफ स्टडी, या फिर वो मज़ीद दूसरी फील्ड्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित होगा. फिर इसके बाद आप लोग लिखते हैं कंक्लूजन सेक्शन, जहाँ पे आप लोग अपने इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन या फाइंडिंग, या फिर उसके बाद सपोजिशन इम्प्लीकेशंस के सेक्शन को और आपकी तमाम जो डिस्कशंस हैं उनको रैप अप करते हैं, यानी उनको कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आके उसका क्रक्स निकालते हैं, और यहाँ पे आके आप अपनी रिसर्च प्रपोजल को तमाम को समराइज अप करते हैं, और एक दफ़ा दोबारा से जो आपकी रिसर्च का पर्पज़ है, उसके एम्स हैं, और आपका जो मेन रिसर्च क्वेश्चन है उसको रीइंफोर्स करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए. तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर देते हैं. एंड एट द एंड ऑफ योर रिसर्च प्रपोजल आप अपनी बिब्लियोग्राफी देते हैं, बिब्लियोग्राफी टू योर लिटरेचर रिव्यू, जिन बुक्स का, जिन स्कॉलरली आर्टिकल्स का, जर्नल्स का, या कोई भी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जिनका आपने लिटरेचर रिव्यू किया था, उन बुक्स के लिए साइटेशंस देते हैं, यानी उनकी उनके लिए रेफरेंस देते हैं बिब्लियोग्राफी में. लिटरेचर रिव्यू में और बिब्लियोग्राफी में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है.
होता है कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है वो असल में आपकी जो आपके जो सोर्सेज हैं उनकी रेलेवेंस को आपकी स्टडी के साथ जो है वो शो अप करता है। लेकिन जो बिब्लियोग्राफी होती है ये जस्ट जो सोर्सेज आपने इस्तेमाल किए होते हैं और उनके ऑथर्स होते हैं ये उनकी लिस्ट को साइट अप करने का नाम है, या उनकी जो साइटेशंस जो आपने बनाई हैं उनको लिस्ट अप करने के लिए हम लोग बिब्लियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रपोजल राइटिंग जो होता है रिसर्च प्रपोजल के लिए लिखने के लिए आपको कुछ एसेंशियल्स का पता होना चाहिए। इसमें अगर तो आप यूनिवर्सिटी स्कॉलर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यूनिवर्सिटी की आपसे डिमांड्स क्या हैं, यानी उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। हो सकता है वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फील्ड ऑफ स्टडी के मुतल्लिक हों, आपकी वर्ड लिमिट के मुतल्लिक हों, या आपके लिए आपको कोई ख़ास स्टाइल चूज़ करना हो फॉर योर साइटेशंस फॉर योर रिसर्च राइटिंग, या आपको किसी खास फील्ड ऑफ स्टडी में रिसर्च करनी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। फिर इस तरह से आपको अपनी रिसर्च की फिजिबिलिटी के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद हम एथिक्स पॉलिसी में को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आ जाता है कि आप जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हैं इससे पहले एक दफ़ा आपको एथिकल पॉलिसी कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं या जो आपकी हुकूमत है, हो सकता है आपका कोई ऐसा लॉ हो जो कि आपकी रिसर्च जो है वो उसको अबाइड कर रही हो, तो आप लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रिसर्च करनी है। फिर इसके बाद आप लोगों ने जो रिसर्च करनी है उसमें आपकी ऑब्जर्वेशंस, आपके जो मेथड्स हैं वो, और जो आपका एक तरीका होगा रिसर्च करने का उसमें आप लोगों ने क्रिटिकल रहना है और कंसाइज रहना है, न्यूट्रल रहते हुए रिसर्च करनी है। कभी भी किसी किस्म की बायसिंग का शिकार नहीं होना है और हर चीज़ को न्यूट्रली ऑब्जर्व करना है। फिर इसके बाद आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये भी कम्प्लीटली क्लियरली आर्टिकुलेटेड होनी चाहिए, यानी आप जब रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे तो इसमें आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये आप लोगों ने वाजे कर देनी है कि हमारी असल रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और अपने प्राइमरी क्वेश्चन को और सेकेंडरी क्वेश्चंस को अलग-अलग रखना है और प्राइमरी पे ज़्यादा फोकस करना है ताकि उसे क्लियरली आर्टिकुलेट किया जा सके, क्लियरली उसे बताया जा सके। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 था रिसर्च प्रपोजल राइटिंग का, जिसमें हम लोगों ने रिसर्च प्रपोजल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। आई होप समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।